काश मैं बस एक ऐसी सुपर पावर होती जिससे मैं खुद के एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे स्किप कर पाती। जैसे आज तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन मैं शायद एक सीईओ, एक एक्टर या एक शेफ हो सकती थी। बट हमारे काश ना सिर्फ काश बन के रह जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। एंड देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग दैट ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए शॉपिंग, मूवी एंड डिनर के लिए जाऊंगी, बट अकेले। इससे पहले भी मैंने एक चैलेंज लिया था टू ट्रैवल अलोन विदाउट फोन, बट उसमें मैंने पूरे टाइम मास्क पहना हुआ था एंड कैमरा में देखकर तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। I was that scared of being judged by strangers. But it's true that nothing will change if you don't change. तो चलो चलते हैं। Excuse me. Yeah. Are you editing a video? Yeah, I am. What are you using, by the way? Oh, it's simplified. It's a free AI tool wherein you can add auto-generated captions to your videos. Really? Yeah. It's free? Yeah, it's free. It's free. Wow, that's great. Yeah. What's the name again? Simplify. Great. Thanks a lot. So I am all ready for my solo date today. I'll be going for shopping, then for movie, and then for dinner. मैं इतनी एक्साइटेड दिख रही हूँ, बट अंदर से मेरा दिल ऐसा ना धक धक कर रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इस बार मैं कैमरा के साथ जा रही हूँ। सोलो डेट पहले भी मैंने एक्सपीरियंस किया, बट फोन के साथ शूट करते करते it's gonna be difficult. Let's go. मैं एक्चुअली अपने फोन के बैक कैम से शूट कर रही थी टू गेट बेटर वीडियो क्वालिटी, बट मेरा हाथ पूरी तरह से उठ ही नहीं रहा था आउट ऑफ नर्वसनेस। हाउ स्ट्रेंज कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे जितना कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, उतनी ही नर्वस मैं अकेले पब्लिक में व्लॉग करने से हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। So I'm in the H&M trial room and this is the white jeans. ये लोग बहुत चालू लोग हैं, इतने पास में lights रखे तो पता नहीं चल रहा कि transparent है कि see through है, पता नहीं। I think the fit is better. Ripped jeans are great, but this is the problem. I think it's a boot cut or flared from bottom and this is ripped. इतना रिप तो allowed होना चाहिए यार, घर पे entry मिल जानी चाहिए। I think so, क्योंकि मेरे को एक ripped jeans चाहिए। पर प्रॉब्लम ये कि ये बहुत टाइट है, मुझे चेक करना है तो बैठना पड़ता है। आई थिंक बैठ के इट शुडंट हर्ट माय स्टमक एंड इट इज़ हर्टिंग। ओके, ये मेरी फेवरेट जीन्स थी जब मैंने पिक किया था, मुझे स्ट्रेट फिट जीन्स चाहिए थी और इसी शेड में, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बट सही नहीं है। So I think out of all four of these, I'm gonna ask for the size of this one. यहाँ पे मेरा साइज मिला तो ठीक है, वरना फिर हम दूसरी शॉप पे जाएंगे और वहाँ से कपड़े खरीदेंगे। क्या किया मैंने अभी? मुझे एक्चुअली ट्रायल करना है इन कपड़ों, लेके जा सकते हैं ना? पार्टी वेयर, कैजुअल। ओ, क्या क्या है बताना जरा? ये अगर पार्टी वेयर आप उनसे चाहिए तो लाइट क्या मतलब ऐसा म्यूजिक भी बजता है क्या? नहीं, फॉर्मल का लाइट में क्या है, चेंजेस हो जाते हैं ये फॉर्मल। ओ अच्छा, ओ ओके, कैजुअल पे है तो ये दबा दूं। कैजुअल ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच। बैंगलोर में जो होटल दिया था ना, उससे ज्यादा सुंदर ये ट्रायल रूम है भाई। क्या है? सो दिस इज वन आउटफिट, ये वो क्रॉप टॉप है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही क्रॉप्ड है। आई थिंक जीन्स आई विल बाय, टॉप आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस शॉर्ट टॉप। ओके, सो दिस इज अनदर आउटफिट, रिप्ड जीन्स, काफ़ी ज़्यादा ही रिप्ड है ये मेरे लिए। मेरी मम्मी मुझे घर से बाहर निकाल देगी जीन्स के साथ। और टॉप की बात करें तो अगेन दिस इज आई थिंक कुछ ज़्यादा ही छोटा है, बट पार्टी वेयर के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन एंड दिस इज समथिंग that I don't wear usually, so this is something that it's out of my comfort zone and I want to try such clothes, so I think I'm going to buy this. Oh, main to mirror hi check karna bhul gaya yaar.
चेक करते ना मिरर थिंक वाओ चेंज करने के बाद मैं मिरर चेक कर रही हूँ. सो मैंने जो भी शॉप किया है उसे मैंने अपने बैग में डाल दिया है एंड अभी आई हैव टू रश फॉर द मूवी क्योंकि मुझे लेट हो चुका है. 5:45 का शो है एंड इट्स 5:40 राइट नाउ. दिस इज माय फर्स्ट टाइम वॉचिंग अ मूवी सोलो एंड आई एम वेरी वरीड वेरी नर्वस आई नॉट वरीड नर्वस. आर यू गाइस वेटिंग फॉर द मूवी? Oh, it's not started yet? No, sir. Okay, thank you. मूवी थिएटर एंटर करते करते मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी इन टर्म्स ऑफ शूटिंग माई सेल्फ अलोन इन पब्लिक. थोड़ी अजीब फीलिंग थी ये. बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे क्योंकि सब लोग मूवी देखने किसी ना किसी के साथ आए थे और मैं अकेले थी. यू नो व्हाट्स द बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ वॉचिंग अ मूवी अलोन? तुम्हारे साथ मूवी के बीच में बात करने वाला कोई नहीं होता. बट ऑनेस्टली वॉचिंग अ मूवी अलोन इज रियली फन. आई थिंक मैं दोबारा अकेले मूवी देखने जा सकती हूँ. सो मूवी खत्म हो चुकी है एंड मेरे माइंड ने प्रोसेस भी कर लिया. इतनी हेवी मूवी, इतनी हेवी सिनेमेटोग्राफी थी, ऑस्कर्स के लिए गई, आई थिंक वेल डिजर्व. यार मूवी ने सैड कर दिया मेरे को थोड़ा. आई विश आई ऑल्सो हैड दैट पावर ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन यूनिवर्स टू अनदर. आसपास लोग मेरे को देख रहे कि ये बंदे किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं. उनको पता नहीं कि फ़ोन रखा हुआ है मैंने यहाँ. इट्स फन टू हैंग आउट विद योर सेल्फ विदाउट फोन. एक्चुअली विद फोन थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है. मैं बार बार सोच रही हूँ कि लोग क्या सोचेंगे तो वो फियर और ज़्यादा हो रहा है. एनी वेज वो फियर को ही टैकल करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. I hope I succeed in it by the end of this video. It's almost 8:45 now and I think I should have my food. Hi, I actually want a customized order for Russell. I want to have Belgium waffles as well. But मुझे लगता है कि मेरा छोटा सा पेट इसी को ही डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगाएगा. मेरी जगह नहीं बचेगी वॉफल खाने के लिए. मैं खा कम रही हूँ, नीचे ज़्यादा गिरा रही हूँ. वैसे तो जो आज मैंने किया वो शायद दूसरों के लिए कोई बड़ी बात ना हो बट मेरे लिए है. हम खुद के साथ ना कितना खुश रहते हैं वो डिफाइन करता है कि हम दूसरों के साथ कितना खुश रह पाएंगे. अकेले टाइम स्पेंड करना, खुद के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जानना, ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए काफी जरूरी है. जैसे मुझे पता चला कि जब मैं नर्वस होती हूँ देन आई टच माई हेयर अ लॉट ऑफ टाइम्स. आई थिंक ऐसी सोलो शॉपिंग, मूवी या डिनर डेट्स ना हमें अपने आप से वाकिफ कराने का सबसे आसान तरीका है. And like it said in the movie Dear Zindagi, जब हम अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो दूसरे क्या सोचते हैं? It doesn't matter. This was it for the video, guys. I hope you all liked it. Being comfortable in spending time alone is a continuous process. जैसे हम हर relationship को बनाए रखने के लिए उसमें continuously efforts डालते रहते हैं ना, वैसे ही खुद के साथ भी एक relationship build करने के लिए हमें ये छोटे-छोटे steps लेने पड़ते हैं. And अगर तो ये आपका first time है in going out and spending time alone, then I would suggest कि आप ज़्यादा दूर के जगह पे मत जाओ. अपने घर के आसपास जो भी cafe, park या mall है, वहीं जाके time spend करो. But do try spending time alone. Also, don't forget to check out Simplified app. It's a free AI tool for students, content creators, business professionals, marketers, basically for everyone and anyone. मैंने यही सेम वीडियो उठा के सिंपलीफाइड ऐप में एडिट किया, उसमें कैप्शंस भी ऐड किए एंड लुक हाउ सिंपल एंड ब्यूटीफुल इट लुक्स. अगर यही काम मैं प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो पे करती तो मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाता. बट विद सिंपलीफाइड आई कैन सेव माई टाइम, आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव एंड सेव मनी बिकॉज इट्स फ्री फॉर एवरीवन. सो यार डू चेक आउट द ऐप. The link would be in description and in the pinned comments. Comment करके जरूर बताना अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अकेले शॉपिंग, मूवी या कहीं घूमने जाते हो तो. You know that I reply to every single comment even after you comment after 2-3 years. या फिर Instagram पे DM कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी काफी ज़्यादा active हूँ. That's it for this video, guys. I'll see you guys on next Sunday. इस बार मैं hopefully नहीं बोलूँगी क्योंकि next Sunday definitely I'm gonna see you. 7 PM. Stay tuned. See you soon. Bye.